अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, यानी बाप से दो हाथ आगे। इसे कहते हैं सांप पे मर जाए और लाठी भी ना टूटे। देखा आप अपने बेटे का कमाल। वैसे मुझे कभी कभार लगता है कि मैं आपसे ज्यादा अक्लमंद हूं। मेरे कहने का मतलब है कि आखिर बेटा किसको? वैसे मुझे एक बात की बड़ी हैरत हो रही है कि कासिम साहब की बजाय अफनान ने तुम्हें पैसे दिए और वो भी बिना मांगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि कासिम साहब की तरह अफनान को भी हमारी रमशा की बड़ी फिक्र है। अब और ये बात तो मुझे भी खटक रही है। कासिम साहब के घर रमशा की जितनी भी अहमियत है वो सिर्फ कासिम साहब की वजह से। और तो और हैरत की बात तो ये है कि कासिम साहब के घर में उनके मुलाजिम भी रमशा को इतनी अहमियत देते हैं जैसे कि रमशा ही उस घर की मालिका। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, रमशा को लेके जाता हूं, जरा नई बाइक दिखाता हूं ले जाके वहां। भी खुश हो जाएगी, कासिम साहब को भी नजर आएगा कि उनके पैसे ठीक जगह लग रहे हैं। अरे क्यों नहीं जरूर जाओ। ताकि उनको भी तो पता चले कि उनकी छोटी छोटी मेहरबानियों से रमशा की जिंदगी में कितनी बड़ी बड़ी खुशियां आती हैं, ताकि वो ये मेहरबानियां अक्सर करते रहे। हाँ अब दिखा भी दूंगा उन्हें और जता भी दूंगा, लेकिन वो दुकान। अरे दुकान की फिक्र मत करो तुम, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। जा बेटा जा।